ईआर डायग्राम ऑन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत वाइड टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर वी हैव लाइब्रेरीज, डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स, द वेरियस कोर्सेज, एग्जाम्स, सब्जेक्ट्स, प्रोफेसर्स एट्सेट्रा। बट हेयर आई एम टेकिंग ओनली 7 एंटिटीज, बुक्स, स्टूडेंट, कोर्सेज, एग्जाम्स, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट्स एंड फैकल्टीज। तो अब इन एंटिटी सेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी वो हम एक एक करके चेक करते हैं। बुक्स एंड स्टूडेंट में द रिलेशनशिप विल बी स्टूडेंट बोरोज बुक्स। तो हेयर आई एम टेकिंग बोरोज। नेक्स्ट स्टूडेंट एंड कोर्सेज में स्टूडेंट कोर्स में एनरोल करता है। सो हेयर आई एम टेकिंग स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंट और कोर्स में डिपार्टमेंट हैंडल्स कोर्सेस। नेक्स्ट स्टूडेंट एंड फैकल्टी, फैकल्टी टीचर्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स, तो फैकल्टी टेक्स सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट, फैकल्टी बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। नाउ विच इज लेफ्ट, एग्जाम्स, डिपार्टमेंट कंडक्ट्स एग्जाम्स। तो ये रिलेशनशिप है विच आई हैव टेकन इन दीज 7 एंटिटीज। नाउ लेट्स सी द कार्डिनैलिटी रेशियो बिटवीन दीज एंटिटीज। वन डिपार्टमेंट हैंडल्स मैनी कोर्सेज, वन डिपार्टमेंट कंडक्ट्स मैनी एग्जाम्स, वन डिपार्टमेंट हैज मैनी फैकल्टीज और मैनी फैकल्टीज बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, वन फैकल्टी टेक्स मैनी सब्जेक्ट्स। इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी कई सारे सब्जेक्ट्स लेती है। देन वन फैकल्टी टीचर्स टू मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी स्टूडेंट्स एनरोल्स इन वन कोर्स। एक कोर्स के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं और एक स्टूडेंट बोरो करता है या कर सकता है मैनी बुक्स। सो दिस इज अ कार्डिनैलिटी रेशियो बिटवीन दीज एंटिटीज। नाउ लेट्स चेक फॉर द टोटल एंड द पार्शल पार्टिसिपेशन। वन फैकल्टी टेक्स मैनी सब्जेक्ट्स, तो हेयर आई एम टेकिंग दिस साइड टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन इज शोन बाय द डबल लाइन्स। एक फैकल्टी कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स में टोटल पार्टिसिपेशन लिया है क्योंकि सारे के सारे जितनी भी एंटिटीज होंगी, सब्जेक्ट एंटिटीज सेट की S1, S2, S3 जितनी भी एंटिटीज होंगी वो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो कि कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाए, उस सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई फैकल्टी अलॉटेड नहीं हो। तो सब्जेक्ट एंटिटी सेट जो है टोटली पार्टिसिपेट करेगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर हम फैकल्टी की साइड देखें तो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जनरली सोचें कि ठीक है, अगर किसी कॉलेज के अंदर फैकल्टी है तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाती होगी। बट हेयर आई एम टेकिंग एज पार्शल पार्टिसिपेशन बिकॉज क्योंकि कुछ फैकल्टीज होती हैं जो कि सब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं बट दे आर इन द कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स हैं, योगा से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं एट्सेट्रा। तो ये सब्जेक्ट्स नहीं है किसी कोर्स के, लेकिन वो फैकल्टीज जो हैं ये लेक्चर्स ले रही हैं। तो सारी की सारी फैकल्टीज अलॉटेड, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो नहीं पढ़ाती हैं। तो इधर ये पार्शियल पार्टिसिपेशन होगी। मैं नेक्स्ट हेयर आई विल टेक टोटल पार्टिसिपेशन बिकॉज जो ये रिलेशनशिप है स्टूडेंट एनरोल्स कोर्स, हेयर ऑल द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन दिस रिलेशनशिप एनरोल्स। क्योंकि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि एनरोल्ड नहीं हो किसी ना किसी कोर्स में। अगर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो ऑब्वियसली वो किसी भी एक कोर्स में एनरोल्ड होगा। तो स्टूडेंट का जो है टोटल पार्टिसिपेशन होगा। नेक्स्ट हेयर आई एम टेकिंग टोटल पार्टिसिपेशन।
इन दिस रिलेशनशिप वन डिपार्टमेंट हैंडल्स मैनी कोर्सेज, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा होगा। ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो कि कॉलेज के अंदर हो और वो कोई डिपार्टमेंट हैंडल ना करे। जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक अगर हम कहें MCA, BTech, BCA, दीज आर द कोर्सेज एंड दीज आर बीइंग हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इफ वी टॉक अबाउट BBA, MBA एट्सेट्रा, जितने भी ये कोर्सेज हैं ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है। तो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, और जितने भी कोर्सेज होंगे वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसको देखेगा। सो हेयर विल बी टोटल पार्टिसिपेशन। लेकिन इस साइड मैं टोटल पार्टिसिपेशन नहीं ले रही हूँ, पार्शल पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट हैंडलिंग एनी कोर्स। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेज में। अकाउंट डिपार्टमेंट जो है किसी कोर्स को नहीं देखता। दीज आर द डिपार्टमेंट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बट दे आर नॉट हैंडलिंग एनी कोर्स। सो हेयर विल बी पार्शल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इन दिस डायग्राम, हेयर आई विल टेक टोटल पार्टिसिपेशन। इन दिस रिलेशनशिप वन डिपार्टमेंट कंडक्ट्स मैनी एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम एंटिटी सेट के अंदर जितनी भी एंटिटीज होंगी वो सारी की सारी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम हो रहा है लेकिन वो कोई डिपार्टमेंट कंडक्ट नहीं करवाए। तो अगर एग्जाम कॉलेज के अंदर कंडक्ट हो रहा है तो वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एंड पार्शल पार्टिसिपेशन, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ वी आर डन विद द कार्डिनैलिटी रेशियो एंड द टोटल पार्टिसिपेशन पार्शल पार्टिसिपेशन। लेट्स कम टू द एट्रीब्यूट्स। बुक्स एंटिटी सेट की हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं बुक आईडी, देन बुक नेम और डेट ऑफ इशू। स्टूडेंट ने वो बुक कब इशू करवाई थी, ये तीन एट्रीब्यूट्स लिए मैंने बुक के। नाउ कम टू द फैकल्टी। फैकल्टी के एट्रीब्यूट्स जो मैं ले रही हूँ वो है नेम। नेम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। मिडिल नेम भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं मिडिल नेम नहीं लिख रही हूँ। द नेम के बाद फैकल्टी आईडी। आफ्टर फैकल्टी आईडी आई विल टेक एड्रेस एंड फोन नंबर। फोन नंबर कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो आई एम टेकिंग दिस इन डबल इलिप्स। फोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, नेम मेरा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट टेक द एट्रीब्यूट्स फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, आईडी और फोन नंबर। फोन नंबर जो है वो एक स्टूडेंट के पास कई सारे मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, तो आई एम टेकिंग इट एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट कम्स फॉर द कोर्स, कोर्स आईडी। आफ्टर कोर्स आईडी वी हैव कोर्स नेम, कोर्स का नाम क्या है और कोर्स की आईडी क्या है। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं ले रही हूँ, आप ले सकते हो। एग्जाम, एग्जामिनेशन कोड, देन एग्जामिनेशन कौन से रूम में हो रहा है, दैट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट कितने बजे एग्जाम कंडक्ट होगा, पर्टिकुलर किस कोड का एग्जाम कितने टाइम पर होगा और किस डेट पर होगा। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स फॉर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लास्ट इज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, सो ओनली दीज टू एट्रीब्यूट्स आई एम टेकिंग फॉर सब्जेक्ट्स। नाउ कम्स द प्राइमरी की फॉर ऑल द एंटिटीज।
फॉर बुक आई एम टेकिंग बुक आईडी, बुक आईडीज की प्राइमरी की है स्टूडेंट एंटिटी की स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, कोर्स की कोर्स आईडी प्राइमरी की है, एग्जाम्स की एग्जामिनेशन कोड डिपार्टमेंट एंटिटी के लिए डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट आईडी इज द प्राइमरी की एंड फैकल्टी की एंटिटी के लिए फैकल्टी आईडी इज द प्राइमरी की। तो ये हमारा ईआर डायग्राम है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। ये बहुत वाइड टॉपिक है, ये मैंने बहुत कम एंटिटीज के साथ बनाया है, आप इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। यू टेकिंग द लाइब्रेरी, इसके अंदर लाइब्रेरी भी इंक्लूड हो सकती है, हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, देर आर मेनी मोर थिंग्स टू शो इन द कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, बट आई एम टेकिंग इट दिस वे।